हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। और आज हम निकल रहे हैं कसौली से वापस गुड़गांव तक। आज का टाइम बेसिकली वैसा टाइम है जब आपको वो फील नहीं होता कि यार मेंटोस जिंदगी खत्म होगी, अब नॉर्मल जिंदगी शुरू होने वाली है। तो यार खराब लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि पर माउंटेन लवर यू वॉन्ट टू बी देयर फॉर लाइक अ वीक और टू। लेकिन ठीक है, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस भी इंपॉर्टेंट है, घर वालों को टाइम देना भी इंपॉर्टेंट है और ट्रैवल भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए मैंने सोचा कि नहीं यार, आज आई हैव टू गेट बैक टू गुड़गांव। बाकी व्लॉग के एंड तक बने ज़रूर रहना ताकि आपको पता चल सके कि जो कंडीशन है रोड का कसौली से गुड़गांव तक का, वो आपको प्रॉपर तरीके से पता चले एंड यू कैन प्लान अ ट्रिप अकॉर्डिंगली एंड यू कैन विजिट टू दिस अमेजिंग 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 प्लेस यार। तो चलो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को इन नज़ारों के साथ जो कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो। हाय, तो चलो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को इन नज़ारों के साथ और लेके चलता हूँ मैं आपको कसौली से गुड़गांव तक। रोड फंसना किसे कहते हैं ना, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जो हुआ है अभी। बेसिकली यहाँ पे रोड टूट के नीचे गिर चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, देख रहे हो किस लेवल का कैलामिटी आया था, किस लेवल की बारिश हुई थी और किस लेवल के लैंडस्लाइड्स हुए थे। इतना अच्छा हाईवे ना टूट के बर्बाद हो गया, सीरियसली। पर ठीक है, BRO is doing a good job to get things moving। चलो कंटिन्यू करते अपने जर्नी को अब। यार बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, कसौली में लास्ट खाना भी खाया था तो उसके बाद भूख तो लगती है। लंच के लिए रुके हैं, ये आपका नया खुला है शायद 70 माइलस्टोन। गुड़गांव में तो 32nd माइलस्टोन है, तो मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं एक बार यार 32nd माइलस्टोन का 70 माइलस्टोन भी देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बाकी हाईवे खाली मिला, ज़्यादा जाम इतना था नहीं, पर हाँ चंडीगढ़ में थोड़ा सा जाम मिला था। लेकिन ठीक है, चंडीगढ़ में मैंने कैमरा उठाया नहीं कि पता चले भाई पुलिस वाले आके बोले कि भाई तुमने इसका भी चलान दो कि तुमने कैमरा तुम रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो यार गाड़ी में लगा के, ये भी हो सकता है। तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया यार, मस्त धूप निकला हुआ है। चलो पेट पूजा करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। गाड़ी अपन ने लगा दिया वहाँ पर,
गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कर लिया यार पेट पूजा, खाना बहुत अच्छा था, सीरियसली खाना बहुत अच्छा था, नया खुला हुआ है एंड प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, नीट एंड क्लीन। आप अगर यहाँ इस हाईवे पे आ रहे हो तो यू कैन ट्राई दिस आउट। एनीवेज चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, निकलते हैं यहाँ से, अब सीधे घर पे ही रुकेंगे, अगला स्टॉप अब सीधे घर का ही होएगा एंड ETA हमारा अराउंड 8 बजे का होगा, तो यहाँ से सारा टाइम बचा नहीं है जाने को, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को यहाँ से। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये रेंज रोवर का नया मॉडल लॉन्च हुआ है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ये मॉडल। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जो रोड के कंडीशन है आज के डेट में, व्हेन यू आर प्लानिंग टू हिट हिमाचल, आपको वो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्लॉग के थ्रू मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये, एंड बेसिस दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो चलो एंड करते हैं आज के ब्लॉग को यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा कसौली वाला जो पूरा सीरीज था, लेट बी गिल्बर्ट ट्रेल, लेट बी मंकी पॉइंट, लेट बी माल रोड और हेरिटेज मार्केट और लेट बी द सूदिंग सनराइज एक्सपीरियंस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर एक ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, डू गो एंड चेक इट आउट, आई विल पुट द लिंक ऑफ ईच एंड एवरी ब्लॉग ऑफ द सीरीज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल फॉर मोर सच क्रेजी एंड अमेजिंग अपडेट गाइज, बिकॉज आने वाले ब्लॉग्स और भी क्रेजी और भी अमेजिंग होने वाले हैं, आई कैन प्रोमिस दैट, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आई हैव प्लान समथिंग एंड आई एम गोइंग टू अनदर देवभूमि, तो उसके लिए यू हैव टू हिट द बेल आइकन एज वेल फॉर द नोटिफिकेशन एंड यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो अगर आप लोगों को पसंद आया प्यार जरूर देना, हिट द लाइक बटन, इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब डू शेयर इट विद द नियर एंड डियर वाले। तो चलो एंड करते हैं आज के ब्लॉग को, टिल देन चीयर्स।